फर्स्ट ट्रिक ऑटो रिप्लाई। दोस्तों ये काफ़ी यूजफुल ट्रिक है अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका कोई बिजनेस अकाउंट है व्हाट्सएप पर और आप चाहते हो कि जब भी आपको कोई मैसेज करे तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से उनको एक मैसेज चला जाए, थैंक यू का या आई एम बिजी या फिर कुछ भी जो भी आप चाहते हो। दोस्तों इस फीचर का प्रयोग आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के चैट पर भी कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप पर इस फीचर को सर्च करोगे तो ये फीचर आपको वहाँ नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप इस फीचर का प्रयोग करना चाहते हैं तो ये फीचर सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस पर ही अवेलेबल है। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है फिर भी आप अपने व्हाट्सएप की ऐप को व्हाट्सएप बिजनेस में अपडेट कर सकते हैं और इस फीचर का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ आपको बिजनेस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको मैसेजिंग टूल्स में अबे मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर लीजिए और अबे मैसेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए। अब आपको जब भी कोई मैसेज करेगा तो ये मैसेज उसको अपने आप चला जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक, ये ट्रिक्स उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है जिसके फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज की प्रॉब्लम है, या जब भी कोई पर्सन आपको व्हाट्सएप पर कोई वीडियोस फोटो सेंड करता है तो वो मीडिया आपकी गैलरी में सेव हो जाती है और आप नहीं चाहते हो कि वो फोटोज और वीडियोस आपकी गैलरी में सेव हो, तो इस ट्रिक की मदद से आप ऐसा कर पाओगे। आपको सिंपली थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, यहाँ सेटिंग पर जाना है, इसके बाद आपको चैट ऑप्शन को चूज करना है, यहाँ आपको मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको डिसेबल करना है। इसके बाद अब कोई भी मीडिया आपकी गैलरी में सेव नहीं होगी। दोस्तों इस ट्रिक को आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी ग्रुप की चैट पर भी अप्लाई कर सकते हो। आपको सिंपली उस चैट या ग्रुप पर क्लिक करना है, यहाँ आपको मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब इस ग्रुप की कोई भी मीडिया आपकी गैलरी में सेव नहीं होगी। दोस्तों अगर ये ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट ट्रिक, जनरली व्हाट्सएप में एक वॉइस मैसेज का फीचर होता है जिसमें कि आप किसी को भी वॉइस मैसेज भेज सकते हैं पर उस वॉइस मैसेज को सुन नहीं सकते हैं, बट इसमें एक सिंपल सी ट्रिक है जिसमें अब आप वॉइस मैसेज को सेंड करने से पहले सुन भी सकते हो। आपको वॉइस आइकन पर क्लिक करना है एंड स्वाइप अप करना है और अपना वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद बैक आ जाना है। अब फिर से आप उस चैट पर क्लिक करेंगे और उस रिकॉर्डेड वॉइस को भेजने से पहले सुन पाएंगे। नेक्स्ट ट्रिक, अगर आप व्हाट्सएप पर ग्रुप की वजह से काफ़ी परेशान हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव के अलग अलग ग्रुप्स हैं और यहाँ पर ग्रुप की जो नोटिफिकेशन है वो बार बार आते रहते हैं और आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, तो आप सिंपली यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप को म्यूट भी कर सकते हो। आपको लॉन्ग प्रेस करना है और म्यूट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके बाद आप उस ग्रुप को 1 वीक 1 मंथ के लिए म्यूट भी कर सकते हो, उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। दोस्तों ग्रुप से रिलेटेड एक और ट्रिक है, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर कई बार हमें अननोन नंबर से कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेता है जो कि काफ़ी इरिटेटिंग होता है, तो इस फीचर की मदद से आप इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप की सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी पर क्लिक करना है, वहाँ पर आपको ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन ऐड कर सकता है और कौन ऐड नहीं कर सकता। नेक्स्ट ट्रिक, मान लेते हैं कि आप एक बड़े शहर में रहते हो, आपका कोई भी फ्रेंड आपसे मिलने के लिए आता है और उसको आपकी लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, तो दोस्तों आप व्हाट्सएप के इस फीचर की मदद से अपनी करंट लोकेशन को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो और वो इसी लोकेशन को फॉलो करके आपके पास पहुंच सकता है।